डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ किसी एटम, आयन और मॉलिक्यूल की जो इजीली मेजर ना कर सकें, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम मेजर ना कर सकते हैं इजीली। नाउ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की, रिएक्शन की, जो हम इजीली मेजर कर सकें, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, मास है, जो इजीली मेजर हो जाती हैं सिस्टम की। नाउ टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की दो टाइप्स हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की, रिएक्शन की, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सिस्टम में मटेरियल का अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, फिर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ सिस्टम की, रिएक्शन की, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। रिएक्शन में अमाउंट ऑफ मटेरियल कम या ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी कम या ज़्यादा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि इंथाल्पी है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम हैं, इंटरनल एनर्जी हैं, ये कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं,